Good morning, dear students. Now we are going toward our English period. In our last English period, we started lesson number 1. हमने अपने last English period में क्या start किया था? Lesson number 1 start किया था. What was the name? Mr. Toad goes for a ride. I told you the story of Mr. Toad. मैंने क्या बताया था आपको? Mr. Toad की story बताई थी. क्या हुआ था उस story में? We saw that there are 3 friends in the story. हमने देखे थे कि इस story में कितने friends हैं? 3 friends are there. What are the name of friends? Toad, Rat and Mole. The name of 3 friends are Toad, Rat and Mole. Correct. Then what was the next? Mr. Toad invited Rat and Mole on their house. Mr. Toad ने Rat और Mole को कहाँ invite किया था? अपने house पर, अपने home में invite किया था. क्यों invite किया था? Because he wanted to show his new carriage. वो अपना new carriage दिखाना चाहते थे. किसे? अपने friends को. जैसे आप. अगर आपके घर पर कोई न्यू साइकिल लेके आते हैं तो आप दिखाते हो ना अपने फ्रेंड्स को. इफ पापा इज गिफ्टिंग यू एनी रिमोट कार और रोबोट देन यू शो दिस टू योर फ्रेंड्स. करेक्ट. सिमिलरली मिस्टर टोड आल्सो परचेज अ न्यू व्हीकल, अ न्यू कैरेज. सो ही वांटेड टू शो दिस टू हिज फ्रेंड्स. वो ये किसे दिखाना चाहते थे? अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहते थे. दैट्स व्हाई हिज फ्रेंड्स केम इन हिज हाउस. इसीलिए उनके फ्रेंड रैट एंड मोल उनके घर पर आए थे. यू रिमाइंड दिस. टोड वाज सेइंग दैट आई हैव परचेज अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेज एंड द कैरेज इज ऑफ येलो कलर. उनके कैरेज का कलर क्या था? येलो कलर. करेक्ट. यू लर्न द स्पेलिंग ऑफ येलो. ओके. नेक्स्ट टोड वाज टेलिंग हिज फ्रेंड्स दैट ही केप्ट हिज कैरेज इन स्टेबल यार्ड. उन्होंने क्या कहा अपने फ्रेंड से कि उन्होंने कैरेज कहाँ पार्क किया है? स्टेबल यार्ड में पार्क किया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल यार्ड? I told you in the last period where we park horses. That place is called as stable yard. जहाँ पर हम हॉर्स पार्क करते हैं that is called as stable yard. Okay, where we keep cows that is called as shed. Where we keep dog that is called as kennel. And where we keep horse, where horse lives, that place is called as stable. Okay. If you are able to see in your textbook, then you will see there is a picture of stable yard. That's a real life for you in that little carriage. Mr. Toad is appreciating his carriage. Mr. Toad अपने कैरेज की तारीफ कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मेरे कैरेज में ही real life है. It means वाकई में जिंदगी जीने का मजा कहाँ पर है? मेरे कैरेज में हैं. करेक्ट. फिर वो अपने सारे फ्रेंड्स को कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर राइड पर जाएंगे. राइड मीन्स क्या बताया था मैंने? घूमना फिरना. जब भी हम लोग बाहर किसी व्हीकल पे जाते हैं एंड दैट्स फॉर ट्रेवलिंग ओनली विदाउट एनी पर्पस. जब हमको कहीं बाहर काम नहीं होता है, हम सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज राइड. उसे क्या कहते हैं? राइट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज. ओपन योर पेज नंबर 6. वी आर सीइंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. व्हाई डोंट वी गो फॉर अ राइड दिस आफ्टरनून? व्हाट इज टोड सेइंग? टोड सेइंग दैट वी शुड गो फॉर अ राइड दिस आफ्टरनून. हमने आज ही आफ्टरनून में, दिन के टाइम में राइड पर जाना चाहिए. इट मीन्स ही इज इनवाइटिंग हिज फ्रेंड इन द फॉर अ राइड. वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहा है किस चीज़ के लिए? राइड पर जाने के लिए.
आई एम नॉट कमिंग. अरे अब जब टोड ने इनवाइट किया तो रैट ने क्या कहा? आई एम नॉट कमिंग. इट मीन्स रैट राइड पर नहीं आना चाहता था. जब हमारा फ्रेंड हमें इनवाइट करता है तो हम जाते हैं. हाँ बहुत बार तो हम जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सोचकर हम नहीं भी जाते हैं, है ना? सिमिलरली जैसे ही टोड ने इनवाइट किया तो रैट ने क्या कहा कि नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ राइड पर. बट रैट इट माइट बी फन. फिर मोल ने क्या कहा? रैट चलो हमें मजा आएगा. जब रैट ने मना कर दिया कि मुझे नहीं आना है तो उसने कहा कि रैट हमारे साथ चलो हमें मजा आएगा. फिर टोड ने कहा कम ऑन रैट, आई ओनली वॉन्ट यू फेलोज टू हैव फन. मिस्टर टोड सेड रैट प्लीज चलो मेरे साथ में, बिकॉज आई ओनली वॉन्ट, मैं चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ इंजॉय करना. जब हमारा कोई फ्रेंड हमको किसी चीज़ के लिए मना करता है, सपोज हमने कहा हाइड एंड सीक प्ले करना है, हम फोर फ्रेंड्स हैं, उसमें से वन फ्रेंड ने मना कर दिया कि मैं हाइड एंड सीक नहीं खेलूँगा, तो क्या बाकी के थ्री फ्रेंड्स उसको छोड़ देते हैं? नो, वो उसे कन्विंस करते हैं, उसे फोर्स करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और अपने साथ खिलाते ही हैं, है ना? जब आप सब लोग अपना टिफिन शेयर करते हो और एक बोलता है कि नहीं मैं आज खाना नहीं खाऊंगा तो आप लोग छोड़ देते हो? नो, यू रिक्वेस्ट हिम, इंसिस्ट हिम एंड फोर्स हिम कि आपको खाना ही पड़ेगा, भले थोड़ा सा ही सही बट यू हैव टू ईट, है ना? सिमिलरली जब रैट ने मना कर दिया कि मुझे राइड पर नहीं जाना है तो टोड और मोल ने उसे छोड़ नहीं दिया. दे इंसिस्टेड हिम एंड टुक हिम ऑन द राइड. वो उसे फोर्स करने लगे और चढ़ने के लिए कन्विंस करने लगे. फाइनली रेड एग्री टू गो फॉर द राइड. लास्ट में क्या हुआ? फाइनली रेड एग्रीड. रेड मान गया. किस चीज़ के लिए? राइड पर चलने के लिए. द थ्री फ्रेंड्स ड्रोव थ्रू द टाउन. फिर क्या हुआ? वो तीनों के तीनों दोस्त कैरेज पर बैठ गए और कहाँ निकल गए? घूमने के लिए. अपने टाउन में उस कैरेज पे बैठकर घूमने के लिए निकल गए. टोड वॉज प्राउड ऑफ हिज कैरेज. टोड को अपना कैरेज बहुत पसंद था एंड ही वॉज वेरी प्राउड ऑल्सो. उसे लगता था कि मेरे जैसा किसी का कैरेज ही नहीं है. पासर बाय स्टॉप एंड ग्रीटेड देम. पासर बाय क्या होता है? द पर्सन्स विच आर क्रॉसिंग अस, विच आर गोइंग नियर बाय अस. हम जब भी कहीं जा रहे होते हैं तो क्या रास्ते पे हम अकेले होते हैं? हमारे आसपास कोई नहीं होता है रोड पर? यस, देयर आर सो मेनी पर्सन्स हु आर पासिंग बाय अस, जो हमारे साइड से जा रहे होते हैं. दैट आर कॉल्ड एज पासर बाय. उन्हें क्या कहते हैं हम? पासर बाय कहते हैं. अंडरस्टूड? सिमिलरली व्हेन टोड वॉज गोइंग ऑन हिज कैरेज सो मैनी पासर बाय वेयर पासिंग बाय हिम एंड दे वेयर ग्रीटिंग द टोड. ग्रीटिंग मीन्स जब हमारे आसपास से कोई अच्छा और कोई रिच पर्सन जा रहा होता है तो हमारे पापा उसे नमस्ते, राम राम, गुड इवनिंग कुछ तो बोलते हैं ना, जय गजानन कुछ तो बोलते हैं ना. दैट इज कॉल्ड एज ग्रीटिंग. अब टोड के पास भी काफ़ी अच्छा कैरेज था, वो भी काफ़ी रिच पर्सन था, इसीलिए उसके आसपास से जितने लोग जा रहे थे द पासर बाय वेयर क्रॉसिंग टोड दे वेयर ग्रीटिंग हिम. वो उसे ग्रीट कर रहे थे. ओ माय व्हाट अ ब्यूटीफुल कैरेज. वन ऑफ द पासर बाय वॉज सेइंग दैट माय गॉड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेज. क्या कह रहे थे पासर बाय? कि मिस्टर टोड का कैरेज बहुत ब्यूटीफुल है. गुड डे मिस्टर टोड. The second passerby was saying that Mr. Toad, good day. जैसे हम कहते हैं ना, good morning, night में good night,
Similarly, Devi are going in the afternoon. So, Devi are saying good day. Okay. Now, go to your next page. Page number 7. Suddenly, they heard a vroom vroom sound behind them. अब क्या हुआ? अब जब वो लोग कैरेज में जा रहे थे, तब उन्हें पीछे से एक आवाज आई. क्या आवाज आई? Vroom vroom. They listen a sound. Vroom vroom. See in the picture. You are seeing that in the yellow carriage, three persons are sitting. Mr. Toad, Rat and Mole. And they are going on the road. And behind them, a car is coming. And car is making a lot of sound. The sound was vroom vroom. अगर आपको एग्जाम में आता है कि what was the color of carriage, तो आप क्या लिखोगे? Yellow. What was the sound of car? Vroom vroom. Understood? Next, a motor car sped by them. Sped, go very speedly, to cross very speedly. When they were going on the carriage, then suddenly a motor car passed by them. उनके पास से क्या गुजरी? एक motor car गुजरी. And what was the sound of motor car? Vroom, vroom. And the motor car passed very speedly. बहुत fast गुजरी वहां से. Okay. Leaving a cloud of dust. मोटर कार लेफ्ट अ क्लाउड ऑफ डस्ट इट मीन्स बहुत सारी धूल मोटर कार की कैसे छुट्टी बहुत सारी धूल निकली वहां से ओके इट अपसेट द कैरेज और जैसे ही वो इतनी सारी धूल कैरेज पर पड़ी तो कैरेज का बैलेंस बिगड़ गया मिस्टर टोड जो उसे राइड कर रहे थे उनकी भी आंखों में धूल चली गई तो उनका भी बैलेंस बिगड़ गया Whenever a vehicle is passing by us, जब भी कोई vehicle हमारे side से pass होता है, तब वो vehicle अगर slow जा रहा होता है, then it doesn't affect on us. वो हम पर effect नहीं करता है. But if the vehicle is going very speedly, then it leaves a lot of dust. उस vehicle के पीछे बहुत सारी धूल होती है. Correct? आपने भी face किया होगा. Suppose you are going on the road and a vehicle is passing by you very speedly like a car, like a truck, like a bus. तब वो vehicle बहुत ज़्यादा धूल पीछे छोड़ देता है और जो भी उसके पीछे driving कर रहा होता है वो पूरी धूल उस पर affect करती है. हमारे hairs पर, face पर, आँखों में वो धूल चली जाती है और फिर हम जो driving कर रहे होते हैं हमारा पूरा balance बिगड़ जाता है सिमिलरली कैरेज का भी बैलेंस बिगड़ गया सी इन द पिक्चर द कार इज गोइंग बिहाइंड मिस्टर इन फ्रंट ऑफ मिस्टर टोड एंड कार इज लीविंग अ क्लाउड ऑफ डस्ट नाउ रैट इज सेइंग हे कांट यू सी एंड ड्राइव जैसे हम चिल्लाते हैं कि देखकर चलाओ या दिखाई नहीं दे रहा है क्या सिमिलरली रैट ने भी बहुत जोर से चिल्लाया क्या कहा दैट सी एंड ड्राइव देख कर चलाओ कांट यू सी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है द कैरेज फेल इन टू अ डिच रैट वॉज एंग्री डिच रोड के नीचे का एरिया जब मिस्टर टोड का पूरा बैलेंस बिगड़ गया अब अगर बैलेंस बिगड़ जाएगा तो कैरेज तो गिरने वाला है जैसे आप साइकिल पे होते हो अगर आपके साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया तो आप और साइकिल धड़ाम सिमिलरली कैरेज आल्सो फेल इन अ डिच जो रोड के नीचे की जगह थी पूरा कैरेज वहां पर गिर गया और इस कारण रैट वाज एंग्री रैट बहुत गुस्सा हो गया लेकिन रैट किस पर गुस्सा हुआ मिस्टर टोड पे गुस्सा हुआ मोल पे गुस्सा हुआ ना रैट गुस्सा हुआ उस मोटर कार के ड्राइवर पर
बिकॉज वो ड्राइवर अपनी मोटर कार अच्छे से नहीं ड्राइव कर रहा था, वो बहुत स्पीडली ड्राइव कर रहा था। उसने देखा ही नहीं कि उसके आगे पीछे कौन से व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं। उस मोटर कार के स्पीड के कारण बहुत सारी धूल निकली, डस्ट निकली, जिसके कारण टोड का बैलेंस बिगड़ गया। और टोड का बैलेंस बिगड़ गया तो टोड का कैरेज नीचे गिर गया, है ना। सिमिलरली इसी बात के कारण रेड बिकेम वेरी एंग्री। रेड बहुत गुस्सा हो गया। एंड देन आई विल कंप्लेन टू द पुलिस। व्हाट डिड रेड से? रेड सेड दैट आई विल कंप्लेन टू द पुलिस। रेड उस कार की कंप्लेन करना चाहता था। कहाँ? पुलिस स्टेशन में। और रेड वॉन्टेड टू कंप्लेन अबाउट दिस कार इन द पुलिस स्टेशन। ओके, नाउ द रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।